होप आप लोग खैरियत से होंगे। तो मेरी रेसिपी दो दिन पहले गई थी, पर मेरी तबीयत कुछ अभी भी सही नहीं है गैस, मगर फिर भी हमने एक रेसिपी आपके साथ शेयर किया है। ये रेसिपी है, आप इसे कह सकते हैं गुड़ पारे भी या फिर मीठा सेव भी कह सकते हैं इसे। तो आइए हम इसकी रेसिपी बताते हैं, और इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं यूज़ होता है, लगभग 3 से 4 इंग्रेडिएंट यूज़ होता है। तो आइए हम बताते हैं। ये हमने देखिए 1/2 kg हमने बेसन लिया था, उसे हमने अच्छे तरीके से छान लिया था ताकि उसमें जो भी गांठें रहती हैं, बेसन में गांठें रहती हैं तो वो निकल जाएं, छानने से वो बिल्कुल स्मूथ हो जाते हैं गैस, इसलिए आप उसे अच्छे तरीके से छान लीजिएगा। और उसमें आप 2 से 3 टेबल आप उसमें तेल डाल दीजिएगा, अगर आपकी मर्ज़ी है तो डाल दीजिए, वरना स्किप भी कर सकते हैं। वैसे तेल डालने से ये थोड़ा खस्ता हो जाता है, तो हमने उसमें 2 से 3 टेबल स्पून उसमें हमने तेल डाला है, रेगुलर जो तेल होता है वही हमने डाला है। और उसे हमने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर उसे अच्छे तरीके से सान लिया है, यानी गूंद लिया है। आपने देखा हमने कितने अच्छे से गूंद लिया है। उसके बाद फिर आप एक छन्नी से, यानी जो आपके घर में छन्नी यूज़ होती है उससे भी आप ये गुड़ पारे बना सकते हैं, मगर मुझे वो जमता नहीं है इसलिए हमने इसे हाथ से इस तरीके से बनाया। थोड़ा टाइम जाता है मगर वो बेस्ट होता है, इसलिए हमने उसे हाथ ही से इस तरीके से आप बना लिया है। अगर आपको जमता है तो आप छन्नी से भी बना सकते हैं, या फिर उसकी मशीन आती है आप मशीन से भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे हमने, मेरे पास मशीन नहीं थी इसलिए हमने हाथों का यूज़ किया है। थोड़ा टाइम गया गैस मगर बहुत ही अच्छा बना, अभी हम आपको फ्राई कर दिखाएंगे, बिल्कुल अलग अलग हो गया था और बहुत ही अच्छे से फ्राई हुआ था। तो इस तरीके से आप टोटल जितने भी आपको बनाना है इस तरीके से आप बना लीजिएगा, वरना आपके पास अगर मशीन है तो वो भी आप कर सकते हैं गैस। और इस तरीके से हमने टोटल को हमने इस तरीके से हमने बना लिया। ये देखिए हमारे गुड़ पारे बहुत ही अच्छे तरीके से हमने हाथों से इस तरीके से बना लिया, बहुत ही जल्दी बन जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सो गैस हमने इस तरीके से बना लिया। उसके बाद फिर हमने एक कढ़ाई ली है और उसमें हमने तेल डाला है। तेल को हमने बहुत ही ज़्यादा हीट कर दिया था क्योंकि वो थोड़ा अंदर से खस्ता होना चाहिए, तो पहले हमने हीट कर दिया बहुत ज़्यादा, उसके बाद फिर हमने फ्लेम को मीडियम कर उसे हमने फ्राई कर लिया। देखिए फ्राई करने के वक्त आप ये देख सकते हैं कि सारे जो हमने बेसन के बनाए हैं वो बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं। आप ये देखिएगा मेरे एक भी नहीं एक में सटे हुए हैं, टोटल हमारे अलग अलग हो चुके हैं। ऐसे थोड़ा डार्क फ्राई कीजिएगा, इससे आपका गुड़ पारे जो होता है वो खस्ते ज़्यादा हो जाएंगे। ये देखिए हमारा, यह हमने फ्राई करना स्टार्ट कर दिया, हमने टोटल गुड़ पारे बेसन का जो हमने बनाया था उसे हमने फ्राई कर दिया। बहुत ही इजी वे में हम बता रहे हैं गैस, और बहुत ही जल्दी बन जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं जाता है। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा गैस, और प्लीज़ मेरे व्यूज़ बहुत ही कम आ रहे हैं गैस, अगर आप लोगों का सपोर्ट मिले तो मेरा व्यूज़ ज़्यादा आएगा। प्लीज़ मेरे व्यूज़ कम आ रहे हैं, इसके लिए आप थोड़ा व्यूज़ बढ़ाइए गैस, बहुत ही मेहनत पड़ती है, आप भी समझ सकते हैं एक हाउस वाइफ के लिए ये रेसिपी बनाना यूट्यूब के लिए। वो तो हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं, इसमें हमें भी खुशी होती है, ऐसा नहीं है, हमें भी खुशी होती है, इसलिए हमने ये चैनल हमने खोला है। चलिए गैस ये देखिए हमने इसे फ्राई कर दिया है, और फ्राई करने के बाद हमने इसे निकाल लिया, यानी टोटल जितना भी बेसन के हमने बनाए थे वो हमने फ्राई करके निकाल लिया। उसके बाद फिर हमने इसी बर्तन में हमने 1/2 kg हमने बेसन लिए थे, तो 1/2 kg हमने गुड़ भी लिए थे, यानी जैगरी भी हमने 1/2 kg लिए थे। देखिए गैस ये हमारे फ्राई हो चुके हैं, बिल्कुल अलग अलग हुए हैं, आप ये देख सकते हैं एक भी एक में नहीं सटे हुए हैं, टोटल हमने फ्राई कर दिया। उसके बाद फिर आप जैगरी ले लीजिए एक कढ़ाई में, और उसमें आप थोड़ा सा पानी डालिएगा, ज़्यादा नहीं डालिएगा गैस। ये देखिए हमने 1/2 kg हमने जैगरी लिया है, और उसमें हमने थोड़ा सा पानी डालकर उसको हमने अच्छे तरीके से मेल्ट कर दिया, जब तक कि गुड़ में एक तार नहीं आ जाए तब तक आप इसे पकाते रहिएगा। जब तक कि तार अगर नहीं आए, और आप अगर उसमें ये बेसन का डाल देते हैं तो आपके जो गुड़ पारे हैं वो सही नहीं उतरेंगे, इसलिए जब तक कि गुड़ में एक तार नहीं आ जाए तब तक आप इसे पकाते रहिएगा। ये देखिएगा हम अभी कितना भी हम बनाएंगे, आप ये देखिएगा। देखिए गैस हमारे
पूरे जैगरी जो होते हैं वो मेल्ट हो चुके हैं और इसमें अभी तार नहीं आए हैं, इसलिए हमने इसे पकाना अभी स्टार्ट रखा है। ये जब अच्छे तरीके से तार आ जाएंगे तभी हम इसमें ये डाल देंगे। ये हमारे देखिए ये कंप्लीट हो चुके थे, हमने इसे चेक कर लिया था। उसके बाद जो हमने फ्राई किया था उसे हमने इसमें मिक्स कर दिया, हमने थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड किया और उसके बाद हमने टोटल बेसन के जो हमने बनाए थे वो हमने इसमें डाल दिया, डालकर अच्छे तरीके से हमने इसे मिक्स कर दिया है। सो गाइस, आप लोगों से यही इल्तिजा है कि आप लोग मेरे व्यूज़ थोड़ा बढ़ा दें, सब्सक्राइब, अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। ये देखिए हमने टोटल को इसमें हमने ऐड कर दिया और अच्छे तरीके से मिक्स कर रहे हैं, और ये जब अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तो फिर हम आपको बताते हैं आगे का प्रोसेस क्या होता है। सो गैस देखिए ये हमने सारे को मिक्स कर दिया है, अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर रहे हैं और इसे आप अच्छे तरीके से जब मिक्स कर लें तो जब तक कि ये ठंडा नहीं हो तब तक आप इसे इसी तरह से चलाते रहिएगा, वरना एक में एक सड़ जाएंगे, जो जैगरी होती है वो एक में एक सड़ जाएगी तो इससे आपके गुरपारे बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। इसलिए ये इसे कंटिन्यू आप गैस का फ्लेम लो कर दीजिएगा और दूसरे बर्तन में आप इसे ट्रांसफ़र कर दीजिएगा, क्योंकि अभी ये बर्तन जिसमें हम अभी बना रहे हैं वो तो बहुत देर तक गर्म रहेगा, इसलिए आप दूसरे बर्तन में इसे ट्रांसफ़र करके उसे कंटिन्यू चलाते रहिएगा और जब तक के ठंडा नहीं हो जाए तक इसे कंटिन्यू चलाइएगा, तभी ये वो अलग अलग सारे हो जाएंगे, वरना अगर आप इस तरीके से छोड़ देंगे तो वो एक में एक सड़ जाएंगे। इसलिए इसे हमने कंटिन्यू 10 मिनट तक हमने चलाया, यानी जब तक कि वो ठंडा नहीं हो जाए। देखिए हमारे सारे अलग अलग हो चुके हैं। तो गाइस अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और बस यही इल्तिजा है कि आपको कि मेरे व्यूज़ बढ़ा दीजिए। खुदा हाफ।